Hello, my dear viewers. This is your educator and mentor Swati Chawla. और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर. So I hope जो हमारी ये free weekly test series चल रही है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे viewers के लिए, आप लोग उसको काफ़ी enjoy कर रहे होंगे, उसको solve भी कर रहे होंगे questions को, और ये series आप लोगों को काफ़ी fruitful लग रही होगी. Am I right? Do mention it in the comment section as well. और आज के हम जो वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टैक. इसका हमने जो है कल आपको वर्कशीट सेंड भी की थी टेलीग्राम चैनल पर. दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो बता दें, हमारी एक ये सीरीज़ चल रही है फ्री वीकली टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को टेलीग्राम पर सैटरडे को 8:15 PM एक वर्कशीट सेंड की जाती है, जिसका सॉल्यूशन आ जाता है संडे को 8:15 PM पर. सो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर स्टैक. और ये आपका एक तरीके से PYQ है, जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2023 का, उसके क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन आपका आया हुआ था. सो कर देते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी भी कशमकश में हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई हैं आपकी स्वाति मैम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. जी हाँ, आई हैव पब्लिश्ड माई ऑन क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, की पॉइंट्स ऑफ ईच चैप्टर, PYQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिकल फाइल, और भी बहुत कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा. इसको जो परचेज करने का लिंक है, दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो गो एंड चेक इट आउट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर ए पार्ट. हमने इसके और वाले दो क्वेश्चंस कल सेंड किए थे, राइट? सो इसका ए पार्ट हमें कहता है, अ लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर. क्या रिकॉर्ड है? एक लिस्ट की फॉर्म में मुझे डेटा गिवन है, कस्टमर नेम और रूम टाइप. ठीक है, दो चीज़ें गिवन हैं. तो राइट द, आपको क्या करना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना है टू परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम्ड होटल. अब आपको यहाँ पर स्टैक का नेम गिवन है. स्टैक मीन्स हम बेसिकली ऑपरेशन किसकी हेल्प से परफॉर्म करने वाले हैं, लिस्ट की हेल्प से. तो यहाँ पर आपको लिस्ट का नेम क्या गिवन है, होटल. उसके बाद मुझे यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन है, पुश कस्टमर एंड देन पॉप कस्टमर, राइट? पुश कस्टमर वाला फंक्शन क्या कहता है, पुश क्या करना है मुझे, कस्टमर के नेम. दैट मीन्स जो आपका कस्टमर नेम है, दैट इज इट इंडेक्स ज़ीरो. ठीक है, जीरो इंडेक्स वाला तो मुझे अपने स्टैक में पुश करना है. ऑफ दोज कस्टमर्स हुआ स्टेइंग इन डिलेक्स रूम टाइप, ये रूम टाइप है, इसका इंडेक्स क्या हो गया, वन. सो दैट मीन्स जिसका रूम टाइप क्या है, डिलेक्स है, उसके कस्टमर का नेम मुझे अपने स्टैक में पुश करना है. तो कंडीशन तो मैं इंडेक्स नंबर वन की चेक करूँगी, और पुश किसको करूँगी, इंडेक्स नंबर ज़ीरो को. और इसी का जो सेकेंड पार्ट है, पॉप करने हैं नेम्स ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक, और उनको सिंपली डिस्प्ले कराना है. ठीक है, और एक अंडरफ्लो मैसेज डिस्प्ले कराना है अगर मेरे पास स्टैक में कोई भी रिकॉर्ड ना हो. ये आपको एक सिंपल लिस्ट गिवन है, इसमें आपको सिद्धार्थ, राहुल, स्टैंडर्ड, जेरी, डिलेक्स. अब किस किस का रूम टाइप डिलेक्स है, टू पर्सनस आर देयर, टू कस्टमर्स आर देयर, सिद्धार्थ और जेरी, ये प्रिंट हो गए. बट देखो, स्टैक आपका क्या रहता है, लीफो पर बेस्ड रहता है. जो आपका स्टैक है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लीफो. सो लीफो मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट. सो लास्ट इन कौन सा हुआ, जेरी. तो फर्स्ट आउट कौन सा करेंगे, जेरी. उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सिद्धार्थ. और आपका जो ये तो स्टैक के कंटेंट हो गए, आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, जेरी, सिद्धार्थ, और एट द एंड मुझे अंडरफ्लो भी प्रिंट कराना है, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैक. कि अगर आपका स्टैक जब एम्प्टी हो जाएगा तो वहाँ पर आपको अंडरफ्लो मैसेज भी प्रिंट कराना है, राइट? क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले मैंने एक लिस्ट का नेम लिया, देखो होटल, ये चीज़ मुझे मेरे क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही कंसिडर करेंगे, बिकॉज इसी में मुझे पुश करना है, राइट? अपेंड करने एलिमेंट्स.
ये लिस्ट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, सो मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने इसको नेस्टेड लिस्ट बना रखा है, दो ब्रैकेट्स दिख रही है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने इसको क्या बना दिया, नेस्टेड लिस्ट बना हुआ है। सो यहाँ पर अब मैंने अपना क्या किया, पुश कस्टमर नेम से एक फंक्शन डिफाइन करा है, राइट। ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुश कस्टमर हमने लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, फोर आर ए सी इन कस्टमर। कस्टमर क्या है मेरे पास, मेरी नेस्टेड लिस्ट। तो जब मैं अपना नेस्टेड लिस्ट पर फोर लूप लगाऊंगी तो मेरे पास ये फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी एज अ एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट, दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगा फोर आर ई सी इन कस्टमर। लगाते ही मेरे पास आर ई सी में पहले ये वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ जाएगा, राइट। तो जब मेरे पास आर ई सी इन कस्टमर में फर्स्ट लिस्ट आ रही है तो मैं क्या चेक कर रही हूँ, इफ़ कंडीशन ध्यान है आपको, अगर रूम टाइप क्या है डिलक्स, तो दैट मीन्स वन इंडेक्स पर मेरे को डबल इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, डिलक्स। तो मैं नेम्स पुश करा रही हूँ, नेम्स कौन से इंडेक्स पर है, जीरो इंडेक्स पर। तो होटल वाले लिस्ट में जो मैंने एम्प्टी लिस्ट ली थी, जो मेरा स्टैक है, उसी में मुझे अपेंड कराना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, होटल डॉट अपेंड फंक्शन लगाओगे और आर ई सी जीरो। आर ई सी जीरो मेरे पास क्या है, मीन्स आर ई सी जो मेरे पास रिकॉर्ड आया था उसका जीरो इंडेक्स, दैट मीन्स कस्टमर के नेम, वो हमने अपने लिस्ट में क्या कर दिया, पुश कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर आपका है पॉप का केस, राइट। पॉप में भी बिल्कुल सेम चीज़ रहेगी, पॉप कस्टमर नेम से मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ये नेम आपको अगेन क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने लिखा कि जब तक लेंथ ऑफ स्टैक, स्टैक का नेम क्या है या फिर आप लिस्ट कह लो, जब तक वो ग्रेटर देन जीरो है तब तक तो मुझे पॉप करने एलिमेंट्स। तो मैंने सिंपल प्रिंट करा दिए एलिमेंट्स को पॉप करके, होटल डॉट पॉप, होटल क्या है मेरे लिस्ट का नेम है, डॉट पॉप कर दिया, वन बाय वन एलिमेंट्स पॉप होते रहेंगे जब तक वो लिस्ट लेंथ है उसमें ग्रेटर देन जीरो। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है मेरा एल्स पार्ट चल जाएगा और मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया, अंडरफ्लो। बिकॉज अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मुझे एंड में मैसेज भी डिस्प्ले कराना है अंडरफ्लो का, सो वो चीज़ मैंने यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले करा दी, राइट। चलिए इसी क्वेश्चन को करने का सेकेंड मेथड ये है। देखो एक प्रोग्राम अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसके लॉजिक काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्किंग स्कीम में आप वो गिवन आप वही एग्जैक्ट लिखो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, बट वो लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, आंसर मुझे करेक्ट दे, तभी वो करेक्ट कंसीडर होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर इन्होंने सिंपल क्या इंसर्ट फंक्शन लगा रखा है, टॉप वेरिएबल का ट्रैक ले रखा है, इस तरीके से करा है, ठीक है, या फिर एनी अदर वैलिड पाइथन कोड, आप कोई भी कोड लिखो टू सर्व द पर्पस, बट वो क्वेश्चन आंसर सही देना चाहिए, राइट। अब देखो इसकी मार्किंग स्कीम वैसे किस तरीके से होती है, जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कई बार क्या करते हैं, या फिर एवरेज भी मान लो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया आपको लगा स्टैक है प्रोग्रामिंग नहीं आती बिल्कुल ही छोड़ दिया, ये चीज़ आपने नहीं करनी है, बिकॉज हमारी जो मार्किंग रहती है वो स्टेप बाय स्टेप रहती है। सो हाफ मार्क किसके हैं, फॉर डिफाइनिंग करेक्ट फंक्शन हेडर पुश कस्टमर, इतना तो लिखोगे ना बच्चों कि भाई आपको फंक्शन का नेम गिवन है, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट करना है, उसका हाफ मार्क्स मिल गया। हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट लूप इन फंक्शन पुश कस्टमर, आपने लूप सही लगाया वहाँ पर भी आपको हाफ मार्क मिल रहा है। फिर अगर आपने कंडीशन चेक करिए, डेटा अपेंड करो, फिर आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप पॉप फंक्शन का भी हेडर पार्ट सही लिखते हो तो भी आपको हाफ मार्क मिल रहा है। तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसी अकॉर्डिंग आप अपना अटेम्प्ट करो। अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन सिर के ऊपर से जा रहे हैं तो इंस्टेड कि आप उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, एटलीस्ट उसको स्टार्ट ज़रूर करो, राइट। चलिए नेक्स्ट है बी पार्ट में, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश व्हीकल। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ पुश करना है डेटा, पॉप का तो कुछ केस है ही नहीं, ठीक है, फिर भी एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेते हैं। पुश और यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में क्या गिवन है, व्हीकल, वेयर व्हीकल इज अ डिक्शनरी। अब मेरा क्वेश्चन किसका आ गया, डिक्शनरी का, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स, कार नेम कॉलन मेकर, कार नेम दे रखा है और कॉलन करके उसकी वैल्यू दे रखी है, कार किसने बनाई, ठीक है। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ अ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा। अब हमने क्या करना है कि जिसका भी मेकर वैल्यू टाटा होगी उसका जो कार का नेम है वो मुझे अपने लिस्ट में या फिर स्टैक में पुश कराना है, राइट।
इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल केसेस लाइक टाटा, अगर आपका कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा है, कैसे भी लिखा है, वो सारे केसेस को चेक करें टू द स्टैक. फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिक्शनरी गिवन है व्हीकल नेम से, ठीक है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है सेंट्रो, हुंडई, नेक्सॉन, टाटा, सफारी, टाटा. तो आपके स्टैक में तो क्या आ जाएगा, जिस जिसका कार का नेम, जिसका मेकर का नेम क्या होगा टाटा, उसकी कार का नेम आ जाएगा. यहाँ पर टाटा गिवन है और यहाँ पर गिवन है, सो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये नेक्सॉन आ गया, सॉरी ये सफारी आ गया, ठीक है, रिवर्स में आ गया बिकॉज ये आपका क्या है स्टैक. तो पहले मैं जो कंडीशन चेक करूँगी उसी अकॉर्डिंग आएगा. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉप मुझे करना नहीं है, ठीक है, चलिए ये इसका सोल्यूशन है. सो लिस्ट का नेम नहीं गिवन, हम अपनी तरफ से लिख लेंगे जिसमें मुझे अपेंड कराना है. स्टैक नेम से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, राइट. अब ये देखो ये चीज़ मुझे गिवन है, क्या पुश फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में व्हीकल, तो ये चीज़ मुझे एज इट इज लिखनी है. व्हीकल क्या है यहाँ पर, ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है एक डिक्शनरी, राइट. चलिए फॉर वी नेम इन व्हीकल, उसके बाद मैंने क्या करा अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाया. सो जब मैं डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाऊंगी तो इस वी नेम वेरिएबल में मेरे पास क्या आ जाएगा, की, ठीक है, की आ जाएगी. तो मैंने क्या करना, मैं उसकी क्या चेक कर रही हूँ, वैल्यू. तो मैंने लिखा इफ व्हीकल वी अंडरस्कोर नेम डॉट अपर डबल इक्वल्स टू टाटा, ठीक है, यहाँ पर वी अंडरस्कोर नेम नहीं आएगा, मेकर आएगा, लेट मी चेक, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या गिवन है, डिक्शनरी गिवन है और ये कार नेम और मेकर, ठीक है, चलिए, और व्हीकल आपकी डिक्शनरी है, राइट. सो हमने कंडीशन किस पर चेक करनी है, द फंक्शन शुड पुश, कि मेरा फंक्शन क्या करे, पुश द नेम ऑफ कार, कार का नेम पुश करना है, मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा, जिसका मेकर क्या हो टाटा, ठीक है, चलिए फाइन. सो ये चीज़ अब हमने लिखी, इफ़ व्हीकल जो आपके डिक्शनरी का नेम है, ब्रैकेट करके मैंने लिख दिया वी नेम, ये वी नेम एक्चुअली में है क्या उसकी वैल्यू, ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है की, एक चीज़ ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर ये वी नेम करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिक्शनरी है और जब मैं फोर लूप लगा रही हूँ मेरे पास की आ रही है. सो जब मैं डिक्शनरी का नेम और ब्रैकेट में की लिख रही हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है, चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर है. ध्यान से देखो दोबारा से मैंने क्या बोला, जब आप अपने इस व्हीकल वाली डिक्शनरी पर फोर लूप लगाओगे तो इस वी नेम में मेरे पास क्या आ जाएगी, की आ जाएगी, डिक्शनरी की. सो जब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रही हूँ इफ़ वाले में, इफ़ व्हीकल दैट मीन्स वो डिक्शनरी का नेम और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया की, तो यहाँ पर मुझे जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू और डॉट अपर करके मैंने एक ही बार टाटा से उसको कंपेयर करा दिया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है अपर लोअर सारे केसेस कंपेयर करने, वो चीज़ हमने कर ली. फिर मैंने जो स्टैक लिस्ट ली थी उसमें अपेंड करा दिया मैंने व्हीकल मीन्स की, कार का नेम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो व्हीकल वी नेम, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए, ठीक है. इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आप सीधा अपर फंक्शन लगाओ, जो भी नेम आए अपर केस में कन्वर्ट करो और फिर उसको अपर केस के टाटा से कंपेयर कर दो, राइट. अगेन इसकी भी जो मार्किंग रहेगी वो स्टेप वाइज मार्किंग है, सो आप इसको देख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर द स्टैक क्वेश्चन. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा. इसको आप लोग प्रैक्टिकली ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई हो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन keep watching, keep smiling, keep studying. Bye-bye.